अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th की इकोनॉमिक्स, और जो टॉपिक मैंने दिया है वो है बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अहम चैप्टर है और टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लें, अगर आपको सीखें आपकी नॉलेज बढ़े तो जरूर आप इसको लाइक कर दें वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और उनको भी मेरे चैनल के बारे में जरूर बता दें। तो आइए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल इनकम जो पूरे देश की इनकम होती है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसमें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? पहले जीडीपी हम समझ लेते हैं, इसका मतलब होता है जो भी किसी भी देश के जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितना भी नया सामान या सर्विसेज बनी है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो उसको बोलते हैं हम जीडीपी है मार्केट प्राइस। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे इंडिया है, इंडिया में एक साल के अंदर अगर जितनी भी नई नया सामान बना और सर्विस बनी है उसकी अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है तो हम बोलेंगे देश का जीडीपी क्या हो गया, 100 रुपए हो गया। तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा वाला जो आपका है जीडीपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि देश के अंदर मतलब बनने वाली गुड्स और सर्विसेज की जो मतलब फैक्टर कॉस्ट है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया गया है, इसके अंदर से एक्चुअली क्या कर देते हैं जीडीपी एफ का मतलब होता है जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम एमपी में से टैक्सेस को माइनस हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट। थर्ड वाला है आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक मतलब प्रोडक्ट। क्योंकि जब आप कुछ चीजें को बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, जब आप बनाते हैं तो उस कुछ आपका जो मशीन वगैरह है उसकी भी वैल्यूएशन में कुछ मतलब कमी हो जाती है तो हम जीडीपी में से उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको माइनस कर देंगे तो आपका एनडीपी क्या हो जाएगा, आपका जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपका फिक्स एसेट है उसकी वैल्यूएशन में उसके इस्तेमाल किया आपने उसकी वजह से जो मतलब कमी आ गई या वो चीज ओल्ड हो गई आउटडेटेड हो गई तो उसकी वैल्यूएशन में कुछ मतलब कमी आ जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एनडीपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होगा आपका, अगर आप जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आपका हो जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद बात करेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी का मतलब होता है जो इनकम, एक तो जीडीपी जो आपके डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना सामान बना उसकी मार्केट वैल्यू प्लस जो भी इनकम आपको इंडिया के बाहर से आएगी तो उसको बोलते हैं हम एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब ये इनकम मतलब फ्रॉम अब्रॉड मतलब माइनस इनकम टू अब्रॉड तो उसको बोलते हैं एनएफआईए। तो उसमें हम क्या करेंगे जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए मतलब नेट मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी एमपी में इसको हम प्लस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस। नाउ अब बात करेंगे हम जीएनपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है हमारे पास, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है हमारे पास, अगर हम जीएनपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जीएनपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो पॉइंट है वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी नेट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये जो आपका निकल के आएगा आंसर हो जाएगा आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस। लास्ट जो पॉइंट है वो है मेरा एनएनपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब मैं आपको दोबारा बताएगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है जो कि है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसको इन सब को बोलते हैं, जो पेमेंट इनको किया जाएगा उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मैं जीएनपी में से जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस मैंने कर दिया तो मेरा आपका आ जाएगा
तो आ गया आपका मतलब मार्केट प्राइस, उसमें से आपके एनआईटी और माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा एनएनपी एट मतलब फैक्टर ऑफ कॉस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये थे आपके बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मैं इसमें आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जो पेमेंट हम सरकार को टैक्स फॉर्म में करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें से कुछ पेमेंट हमें सरकार देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, या अपन बहुत ज्यादा ट्रक हमें मतलब चीजों पर सब्सिडी देती है, तो हम जो टैक्स पे करते हैं उसमें से कुछ पेमेंट हमें सरकार से दोबारा वापस मिल जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एलपीजी का जो मार्केट वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, 800-900 के करीब है, लेकिन उस पे हमें जो गवर्नमेंट है वो 200 लगभग 250 रुपए का सब्सिडी देती है, उसमें उन दोनों को माइनस कर देंगे जो वैल्यू आपकी आएगी उसको बोलेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार मैं आपको एनएफआई और कह दूं, एनएफआई का मतलब होता है नेट मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसे इंडिया से बाहर गए और जो इंडिया में आए उन दोनों को हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं और जो कि बोर्ड में आपको जरूर वहां से एक सवाल ट्वेल्थ में मिल जाएगा, बहुत ही अहम टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें वीडियो, इसको शेयर भी जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।